हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 13.6 क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक फर्स्ट अ टिन कैन विथ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग हाइट 15 सेंटीमीटर एंड सेकेंड में है अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो दो तरह के पैक्स में आती है। एक जो है वो टिन पैक है जो कि रेक्टेंगुलर बेस वाला है, यानी कि क्यूबॉइडल है, ठीक है, जिसकी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, विथ 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी। इसी तरह से दूसरा जो तरह का पैक है वो है प्लास्टिक सिलेंडर जो कि एक सर्कुलर बेस वाला, यानी कि एक सिलेंडर है जिसकी के जिसका डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये कहते हैं कि बताइए कि किसके अंदर ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आती है और ये भी कि किस में ज्यादा आती है, ठीक है, ग्रेटर कैपेसिटी किसकी है। तो अगर हम फिगर से समझें तो एक है हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस वाला, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो मान लो कि ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है। तो इसकी लेंथ दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक तो ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक का एक इस तरह का पैक है और दूसरा जो है वो क्या है, सिलेंड्रिकल, तो वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, सर्कुलर सर्कुलर बेस है इसका। तो ये कहते हैं इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर पूरा यहां से यहां तक डी जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी जो हाइट दे रखी है पूरी, द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दो तरह के पैक्स में आती है। अब हमें निकालना है कि इसमें से किस में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक भरी जा सकती है, ठीक है। तो हमें सिंपल इनके वॉल्यूम्स निकालने हैं क्योंकि स्पेस में ही भरी जाएगी जो खाली स्पेस है, तो मींस इसका भी हमको वॉल्यूम निकालना है और इसका भी हमको वॉल्यूम निकालना है, फिर कंपेयर करेंगे कि किस में ज्यादा, मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक भरी जा सकती है और फिर हाउ मच, क्योंकि कितना कितनी ज्यादा, तो दोनों को माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्यूशन में। पहले हम इसका निकालें तो इन रेक्टेंगुलर टिन कैन, इसके अंदर लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर और अब इसका निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन कैन, ठीक है, तो ये फर्स्ट निकाल रहे हैं हम, फिर ये सेकेंड है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड है, दैट इज आवर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर यानी क्यूबॉइडल टिन कैन, रेक्टेंगुलर टिन कैन है, इसका मतलब यही क्या है, क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब वैल्यूज रख दो, तो वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा लेंथ इज 5 इनटू दैट्स ब्रेड्थ इज 4 इनटू एंड द हाइट इज 15 और ये सेंटीमीटर 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 यानी सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 4 जा 20 और 20 इनटू 15 इज 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये तो आ गया हमारा एक, अब हम निकालते हैं सेकेंड वाली का। तो इन सिलेंड्रिकल पैक, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर क्या दे रखा है हमको, इसमें डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमको निकालना है इसका भी क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक।
तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैक, वो हो जाएगा लेंथ पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर हमें आर नहीं दे रखी पर डी दे रखी, तो डी से हम पहले आर निकालें, ठीक है। तो डी से आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर का फॉर्मूला होता है डी अपॉन टू। तो डायमीटर क्या है यहां पर, सेवन अपॉन और ए टू, ठीक है। तो रेडियस आ गई सेवन अपॉन टू सेंटीमीटर। अब हमारे पास पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, आर हमने निकाल चुके हैं और एच गिवन है, तो इसमें रखिए, तो ये हो जाता है पाई की जगह 22 अपॉन 7, रेडियस ये हमने निकाली 7 अपॉन 2, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसीलिए दो बार यहीं रख देते हैं 7 अपॉन 2, और फिर हाइट, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 5 जा, और इस 2 से ये 2 1 जा और 1 जा, यानी 11 इंटू 7 इंटू और एक 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ जाता है, 11 7 जा 77, 77 इंटू दैट 5 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेकंड का भी वॉल्यूम आ गया। अब देखिए फर्स्ट जो फर्स्ट पैक है उसका वॉल्यूम 300 और सेकंड का आया 385, तो ये पता चल गया कि जो सिलेंड्रिकल पैक है उसके अंदर ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। सो सिलेंड्रिकल पैक हैज मोर सॉफ्ट ड्रिंक या ग्रेटर कैपेसिटी, ठीक है, यही पूछा था, इसकी ग्रेटर कैपेसिटी। फिर एक पूछा था हाउ मच, कितनी ज्यादा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये जाएगा 385 माइनस और दूसरा है 300, तो इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो यही हमारे आंसर है, होपफुली आपको ये समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।